अयोध्या के राजा भागीरथ का नाम सबने सुना होगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 60 साल की तपस्या करके, 60 साल तक उन्होंने तपस्या की और तब जा कर के गंगा को धरती पर अवतरित कर पाए। कहानी हकीकत ये है कि राजा भागीरथ जो है अयोध्या के राजा थे, और सरयू का प्रवाह, चूँकि अयोध्या में सब लोग जानते हैं सरयू नदी है, तो सरयू का प्रवाह कम हो गया था, तो राजा भागीरथ को चिंता हुई और 60 साल तक उन्होंने अभियान चलाया। तो उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर से जहाँ से सरयू निकलती है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ठीक किया, और फिर झरने फूटे और पहाड़ों पर पानी बरसा कर रुका और नदी का प्रवाह बढ़ गया। ये कहानी हम लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है कि मनुष्य निरंतर पानी के लिए प्रयासरत रहे, और पानी के लिए बारिश कैसे होगी इसके बारे में उसे चिंता हो, नदियाँ मेरी कल कल करके बहती रहें इसकी भी चिंता मनुष्य करे। लेकिन आज़ादी के 73 साल बीते हैं और हमारे देश की सारी नदियाँ सूख गईं, सारे जलाशय ख़त्म हो गए, सारे पेड़ कट गए, बारिश कम होने लगी, पानी की त्राही त्राही होने लगी। एजुकेशन की बात है कि पढ़ा लिखा समाज ही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, लेकिन देखने में तो ऐसा आता है कि पढ़ा लिखा समाज अपना कल्याण कर सकता है, वो भी आर्थिक नज़रिए से कि उसने कुछ धन कमा लिया। समाज का एक्चुअल अध्ययन है कि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मानवता शर्मसार होती है। आज की तारीख में कुछ ऐसा ही है। ये मेरे बगल में एक जलाशय है, आप देख रहे हैं, इत्तेफाक से ये जलाशय है। ये जलाशय किसी ने खुदाया नहीं है, किसी व्यक्ति ने स्वार्थ में, लालच में मिट्टी बेची है और पानी यहाँ पर भर जाता है बरसात का। इत्तेफाक से आज हमारे देश के जितने भी गांव हैं, गांव में आज के ठीक 50 साल पहले का इतिहास अगर देखेंगे तो हर गांव में लोग अपने पशुओं को पानी पिलाना हो, स्वयं नहाना हो, अपने कपड़े साफ करना हो, तो जलाशय एक आधार हुआ करते थे। और जब जलाशय थे तो गांव के हर व्यक्ति अपने कुओं से पानी निकाल करके वो प्यास बुझाते थे। और चूँकि जलाशय में पानी वर्षा का एकत्र होता था और वर्षा का पानी सबसे पवित्र पानी है, मीठा पानी है, बारिश से अच्छा पानी कुछ हो ही नहीं सकता, अमृत है वो। चूँकि जलाशय में इकट्ठा होता था वही सीपेज होकर के कुएं में जाता था, और मैं कुएं से रस्सी बाल्टी से निकालता था, पीता था, तो मुझे कोई बीमारी नहीं होती थी, पानी अच्छा था। मित्र, आज पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है, सारे जग को है ये पता, ये बिल्कुल तय है कि पानी के बिना कुछ है नहीं। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। दुर्भाग्य से आज हमारे देश के नीति निर्माताओं को, हमारी न्यायपालिका को, हमारी मशीनरी को, हमारे आम जनमानस को पता नहीं कौन सी भांग खा लिया है। सब लोगों ने डेवलपमेंट का, विकास का नजरिया ही बदल गया। हम आज मेट्रो को, रोड को, बड़ी बड़ी इमारतों को, अस्पताल को डेवलपमेंट बताते हैं, जबकि हकीकत मित्र ये है कि ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हमको दिन में 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो पेड़ों से मिलती है, पेड़ हम निरंतर काटते चले जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। हमको दिन में 10-15 बार पीने का पानी चाहिए, लेकिन पानी के बारे में हम बिल्कुल बेखबर होकर के काम कर रहे हैं। हमको दिन में 2 बार शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन भोजन के नाम पर भी रोटी में रसायन, सब्जी में रसायन, दूध में रसायन, और रिजल्ट ये हुआ कि सारी आबादी बीमार हो गई, असहाय लोग अस्पतालों में
जिंदगी और मृत्यु के बीच का संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। कब जागेगा ये समाज? आज भी जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो लोग पता नहीं कैसे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हुए नजर आते हैं। शॉर्टकट नेचर में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, और जमीन, जल, जंगल और जानवर, यही हमारे जीवन का आधार है। हम जन हैं, हम मनुष्य हैं, हमको जमीन का, जल का, जंगल का और जानवर का मैनेजमेंट देखना है। दुर्भाग्य से आज ज़मीनें बंजर होने की कगार पर हैं, जल समाप्त होने की कगार पर है, जंगल बिल्कुल लगभग लगभग नष्ट होने की कगार पर हैं। पशुपालन में मेरी कोई रुचि नहीं है, अब प्राकृतिक खेती कैसे होगी? तो कोई ना कोई तो भागीरथ बनेगा ना। हमारे देश के हर नागरिक को भागीरथ बनना है, और भागीरथ का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाना, क्योंकि अगर भागीरथ सरयू को नहीं जिंदा करते तो उनकी ज़िंदगी में तो पानी की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी आने वाली संतानों को बहुत समस्या उठानी पड़ती। तो आज का जो मनुष्य है वो ऐसे जी रहा है जैसे वो इस धरती का अंतिम प्राणी हो, उसके बाद इस धरती पर और किसी को नहीं रहना है। हम सब लोगों ने अपने अपने बच्चे पैदा किए हैं, किसी के पास अपने बच्चे हैं, किसी के पास बच्चों के भी बच्चे हैं, तो आखिर क्या होगा ये आने वाली पीढ़ी का? आँख बंद करके कभी इत्मीनान से अगर 2 मिनट का समय हो तो सोचना, तो लगता है कि अब 20 साल के बाद क्या पानी पीने का मिलेगा, तो आपका मन हो सकता है कह दे कि संभावना कम दिखती है। 20 साल के बाद आपको लगता है क्या कि इस धरती से और अधिक अन्न उपजा सकते हैं, तो पता चलेगा कि नहीं, अब तो लिमिट हो गई है, अब तो धरती माता इतनी कमज़ोर हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा पैदा नहीं कर पाएगी, आबादी बढ़ रही है। अभी कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में बिका, ऑक्सीजन इन्हीं पेड़ों से मिलती है। कल्पना करें जब इस एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर सिलेंडर आप कहाँ से भरेंगे? तो मित्र, मैं प्राकृतिक खेती के लिहाज से बात करता हूँ। मेरी अपील है हर व्यक्ति को कि ये काम केवल किसान का नहीं है, ये काम उनका भी है जो किसानी नहीं करते हैं। आज की तारीख में दुर्भाग्य ये है कि किसान के पढ़े लिखे बच्चे, जिन्होंने किसान की पीड़ा देखी, अपने पिता की पीड़ा देखी है, गांव देखा है, खेत खलिहान देखा है, अगर पढ़ लिख करके सरकारी सेवा में आ गए, कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए, तो फिर वो उस टीम के हिस्सा बन गए और गरीब को, किसान को लूट लेने की चाहत उनके मन में भी आ गई। किसान के पढ़े लिखे बच्चे किसानों के प्रति संवेदनाएं नहीं बची, और किसान जिस पर ज़मीन पर खेती करता है, किसान की संवेदनाएं अपनी ज़मीन के प्रति नहीं बची। बस यही दुनिया का हाल है, और इसीलिए दुनिया में जो है ना हाहाकार है, चारों तरफ लूट घसोट का कारोबार है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे कृषि संस्कृति चैनल में वीडियो देखते हैं, लाभ का धंधा छोड़ दीजिए, अब लाभ जो है ना कागज़ के नोट का लाभ, इस लाभ को मुझे एक किनारे रख करके हमें इस नेचर के लाभ की बात करनी होगी कि ये धरती माता और धरती माता के ऊपर जो प्रकृति का वैभव है, जो जंगल है, जो जलाशय है, जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ कैसे अच्छी हो। और मनुष्य के जीवन का मूल मंत्र है कि मनुष्य निरंतर एक ही भाव रखे, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्र, अगर अर्थ का मतलब अर्थ से लगाएंगे, अर्थ का मतलब अगर अर्थ मेरी ज़िंदगी में होगा तो मेरे ज़िंदगी में अनर्थ हो जाएगा, और अगर अर्थ का मतलब मेरी ज़िंदगी में धर्म होगा तो मेरे जीवन में मंगल हो जाएगा। अर्थ भी कमाया इसीलिए जाता है कि हम इसे पुरुषार्थ कर सकें, हम इसे यज्ञ कर सकें, हम इसे दूसरों की सेवा कर सकें। अभी तो अर्थ का मतलब ये है कि मैं कैसे अधिक से अधिक भौतिक संसाधन खरीद सकूं।
भौतिक संसाधनों की चाहत में प्राकृतिक संसाधनों को भूल जाना, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही कमजोरी है कि जिसके कारण आज आप किसी भी चेहरे पर मुस्कान नहीं देख पाते होंगे। एक गरीब के पास पैसा नहीं है और पैसे के लिए, पैसे की कमी से अगर उसके चेहरे में उदासी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं अब देखता हूं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके चेहरे में भी खुशियां नहीं हैं। तो खुशियां कैसे प्राप्त करनी है, हमको खुद विचार करना होगा। और अगर आज हम ये विचार नहीं करेंगे तो ठीक है, इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। नमस्कार।